झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरना धर्म कोड विधेयक पारित होने और उपचुनाव में जीत मिलने के उपलक्ष्य में निकाली रैली। आज का ऐतिहासिक दिन नहीं भूलेंगे झारखंड। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय से सुभाष चौक तक झारखंड मुक्ति मोर्चा रामगढ़ जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू के नेतृत्व में एक विशाल रैली निकाली। इस रैली का मुख्य उद्देश्य झारखंड विधानसभा से सरना धर्म कोड विधेयक पारित होने के उपलक्ष्य में है। वहीं उपचुनाव में विजय हुए दो सीट दुमका और बेरमो का भी विजय जुलूस गाजे बाजे और पटाखे फोड़कर निकाला गया और जश्न मनाया गया। रामगढ़ जिले का एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि झारखंड सरकार द्वारा निर्मित टेक्नो इंडिया ग्रुप वन ऑफ द लीडिंग बिगेस्ट एजुकेशन के द्वारा संचालित AICTE के मान्यता प्राप्त एवं झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। वर्तमान में रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई चल रही है। रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रत्येक शाखाओं में स्टूडेंट एडमिशन सीट की संख्या 60 है। इसके अलावा इस कॉलेज में लेटरल एंट्री जो कि संबंधित ब्रांच डिप्लोमा करने के बाद एडमिशन से होता है, इसकी भी यह सुविधा है। वर्तमान समय में डिप्लोमा करने के आधार पर 25 सीटें उपलब्ध हैं। इच्छुक छात्र और छात्राएं जल्द से जल्द नामांकन कराएं। नामांकन कराने की अंतिम तिथि नवंबर 2020 तक है। अन्य कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं की अपेक्षा रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज विशेष सुविधा दे पाएगी, जो इस प्रकार है। कॉलेज फी संपूर्ण रूप से गवर्नमेंट सरकार के द्वारा निर्धारित है। कॉलेज में ST SC OBC कैटेगरी के बच्चों के लिए स्टेट गवर्नमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप की सुविधा है। वर्तमान समय में कॉलेज वर्ल्ड बैंक फंडिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। कॉलेज में अनंतर आधुनिक सुविधा, सुसज्जित लाइब्रेरी की सुविधा, आधुनिक रूप से सुसज्जित प्रयोगशाला की सुविधा तथा कॉलेज कैंपस के अंदर संपूर्ण हॉस्टल फैसिलिटी की सुविधा है। न्यूजीलैंड्स चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है